हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द एनएलयू फैमिली एंड दैट इज जी एनएलयू सिल्वासा। अब इस एनएलयू को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डेफिनेटली आ रहा होगा। क्या ये अच्छा कॉलेज है? क्या यहाँ पर जाना चाहिए? कहाँ पर रखा जाए इसको प्रेफरेंस लिस्ट में? इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है? तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहले वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए अगर अभी तक नहीं पता है तो। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एस्टैब्लिश कब हुआ? ठीक है, तो क्योंकि सबसे नया मेंबर है, जैसे अभी बताया, इट वाज एस्टैब्लिश इन 2022, लास्ट ईयर ही आया ये। ठीक है, लोकेशन क्या है? सिल्वासा, विच इज अ टाउन दादरा एंड नगर हवेली में। दादरा नगर हवेली के बारे में पता ही होगा आपको, इट इज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्लैट के थ्रू होने वाला है। एलिजिबिलिटी, जैसे कि आपको पता है कि सारे एनएलयू में या क्लैट में ही कॉमन है, वैसे ही यहाँ पर है 10+2, एंड आपके कुछ मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है जो कि आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या है? 45% अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में है, एंड 40% अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो खैर, मिनिमम है ये, ऑलरेडी आपको पता होगा। कोर्सेज कौन से ऑफर किए जाते हैं, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग ऑफर करते हैं, यहाँ पर ऑफर किया जाता है आपको BA LLB, BB LLB एंड LLM। अपने लिए एज ऑफ नाउ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जैसे काफी सारे एनएलयूज में होता है कि आपको BA BBA मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, करिकुलम को लेकर या अकैड को लेकर एज सच बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसको ड्राइव करेगा जेएनएलयू गांधीनगर। सबने जेएनएलयू गांधीनगर के बारे में सुना है। फिफ्थ सिक्स्थ स्पॉट पे अपन इसको जनरली रखते हैं अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, राइट? और उसी के अंदर ये काम भी करेगा काफी हद तक। बट हाँ, यहाँ पर अपन को समझना पड़ेगा कि अकेडमिकली या करिकुलम में ऐसा इश्यू नहीं होगा, क्योंकि उनका जो करिकुलम होगा वही यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली फॉलो किया जाएगा। कुछ बहुत चेंजेस नहीं आने वाले, तो करिकुलम वाइज एज सच प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट क्या फैकल्टीज अच्छी मिलेंगी, क्या प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है, इंटर्नशिप्स मिल पाएंगी कि नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप्स के बेसिस पर ही हमें पता चलेगा कि क्या पीपीओ लग रहा है, ठीक है, प्री प्लेसमेंट ऑफर वगैरह, क्या जॉब्स मिल रही हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस अपन अब आंसर करेंगे, राइट? इसके बाद जेएनएलयू सिल्वासा के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यस, सिल्वासा हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ जेएनएलयू। ठीक है, राइट? इस बात का ध्यान रखना, अभी आया है, रिसेंट है, तो कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली यहां पर होने वाले हैं, राइट? कोऑपरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। जैसे कि बताया कि सिलवासा कैंपस, सिलवासा एक छोटा सा टाउन है, तो इनको फुल कोऑपरेशन मिलने वाला है इनसे, यूटी से, दादरा नगर हवेली से, राइट? कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको बिल्कुल देखना चाहिए अबाउट दिस कैंपस। अगला क्वेश्चन, जो अगेन बहुत बहुत, क्योंकि नया कैंपस है, क्योंकि नया कॉलेज है, नया एनएलयू है, यहाँ पर कोर मैनेजमेंट, यहाँ से पूरा सब कुछ चालू होने वाला है प्रोसेस, राइट? तो कोर मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है। डायरेक्टर है प्रोफेसर एस शांत कुमार, एंड रजिस्ट्रार जो है वो है डॉक्टर जगदीश चंद्र, राइट? अब एक चीज समझना कि क्योंकि नया कैंपस है, पूरी बुनियाद यहीं से, पूरा बेस यहीं से बनने वाला है, राइट? सो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर जेएनएलयू सिलवासा, आप सबसे पहले बैच के होंगे, राइट? उसके कुछ प्रोस, उसके कुछ कॉन्स हैं, ठीक है, जिस पर अपन बात करेंगे। टोटल सीट्स कितनी है? अनरिजर्व कैटेगरी में 23 है, ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे क्या रहा। एससी कैटेगरी को 7 सीट्स हैं, एसटी को 3 सीट्स हैं, ओबीसी को 12 एंड ईडब्ल्यूएस को 4 सीटें हैं, टोटल 60 सीट्स है। तो यस, ये कंप्लेन आपके मन में जरूर हो सकता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बहुत कम है, बट हाँ, हो सकता है टाइम के साथ जब ये कॉलेज प्रोग्रेस करने लगे तो फिर वहां पर सीट्स का नंबर डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, राइट? बट क्योंकि अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, इसलिए हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स कम हो, बाद में ये डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, तो दैट शुडंट बी एन इश्यू। इसके अलावा फीस कितनी है? फीस आप देखोगे इट्स 241,241,000, राइट, फॉर जनरल SC/ST कैटेगरी। बट फॉर, अच्छा, वन टाइम रिफंडेबल, ये आप देख लो, मतलब ये वन टाइम फीस है, एक बार देना है, कॉलेज जब छोड़ोगे तब आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, 17,000। एनआरआई स्पॉन्सर्ड के लिए फीस थोड़ी सी अलग है, तो ये नंबर आप देख सकते हैं।
राइट। इसके अलावा सम एफएक्यूज एंड यस, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले कि बेसिक डिस्कशन राइट, जो आपको पता होना चाहिए। क्या जेनेलियो सिल्वा से वर्थ है ज्वाइनिंग? क्या मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे वीडियो का यही है, क्या वहां जाना चाहिए, प्रेफरेंस इसमें कहां रखें। अब देखो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बैकड्रॉस, और वो ये मतलब पहले इस पर चर्चा करते हैं, पहले इस पर डिस्कशन करते हैं, फिर अपन उस पर जाएंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि क्या चैलेंजेस हैं, और अगर इन चैलेंजेस को ओवरकम कर गए तो डेफिनेटली फिर वो बहुत अच्छा कॉलेज बन जाएगा राइट। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि जेएनएलयू गांधीनगर काफी हद तक इसको रन करेगा, मतलब थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो जेएनएलयू गांधीनगर, जेएनएलयू सिलवासा, तो इसको प्लीज गांधीनगर से कंपेयर बिल्कुल मत करना, दोनों अलग है ऐसा आप मान के चलो। तो ये मत सोचना कि गांधीनगर तो हम जनरली सिक्स पे या सेवेंथ पे या कभी कभी फिफ्थ पे रखते हैं, तो जेएनएलयू सिलवासा को उसके जस्ट बाद रख दें, ये गलती मत करना। दिस इज अ न्यू कॉलेज, इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, ठीक है, ग्रो होने में, प्रोग्रेस में टाइम लगने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है एलुमनाई बेस, एंड दिस इज समथिंग जो होगा ही होगा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक साल में बहुत अच्छा कर लिया तो एलुमनाई बेस बन गया, नहीं, इसमें तो मिनिमम टाइम लगने वाला है, 5 साल, जब तक पहला बैच नहीं निकलेगा राइट, जब तक 3 4 बैचेस ग्रेजुएट नहीं होंगे एलुमनाई बेस बनना ही चालू नहीं होगा राइट। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि आने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि जेएनएलयू गांधीनगर है और ये जेएनएलयू सिलवासा है, तो जेएनएलयू गांधीनगर का जो एलुमनाई बेस है क्या उसका कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? सो द आंसर इज नो राइट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गांधीनगर है, ये सिलवासा है। हाँ, जेएनएलयू गांधीनगर की जो स्टूडेंट्स है उनको उनके एलुमनाई का डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा, बट जेएनएलयू सिलवासा वालों को एडवांटेज नहीं मिलेगा ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो प्लीज उससे कंपेयर मत करना, उससे खुद को एसोसिएट मत करना, दोनों अलग कॉलेजेस हैं राइट। सेकेंड इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो रहता ही है हर नए कॉलेज के साथ, हर नए एनएलयू के साथ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती ही होती है राइट, कि अगले 1 साल 2 साल, बिकॉज यहीं से सब कुछ चालू होने वाला है, ठीक है। तो अकैड कैसा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि नहीं, कॉलेज अपना नाम कैसे स्टैब्लिश करेगा, इट कुड बी थ्रू फेस्ट, इट कुड बी थ्रू कॉम्पिटिशंस, अकैड के कॉम्पिटिशंस हो सकते हैं राइट, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन हो सकते हैं, मूट कोर्ट प्रैक्टिस मिलेगी नहीं मिलेगी राइट, फैकल्टीज अच्छी आएंगी कि नहीं आएंगी, ये अनप्रेडिक्टेबल रहने ही वाला है। इसमें डेफिनेटली क्लैरिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 2 साल आराम से लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले जा रहे हो तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, या मतलब मे बी पॉसिबल है कि ये एडवांटेज भी हो, बट ये हम बोल नहीं सकते अभी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, चांसेस यही होते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है एक कॉलेज को स्टैब्लिश होने में, 2 3 साल डेफिनेटली लगते हैं करिकुलम वगैरह बनने में, उसको प्रॉपर फॉलो होने में राइट। इसके अलावा लोकेशन का थोड़ा सा फायदा भी है और नुकसान भी है, नुकसान इसके अकॉर्डिंग है, और फायदा इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सेंट्रल इंडिया के हैं या वेस्टर्न इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, वो जेएनएलयू जाना प्रेफर कर सकते हैं राइट, क्यों? क्योंकि लोकेशन वाइज एज सच प्रॉब्लम नहीं है आपको स्टूडेंट्स की, जब अपन बात करते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप बात करते हो जीएलसी की, जब आप बात करते हो आईएलएस पुणे की, जब हम बात करते हैं एमएनएलयू की राइट, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर बहुत अच्छी फैकल्टीज मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, सिंपल सी बात है लोकेशन, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि यार बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी फैकल्टीज मिल जाती हैं इजीली, बट सिलवासा जैसे बताया एक छोटा सा टाउन है, क्या वहां पर अच्छी फैकल्टीज आ पाएंगी राइट, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस पे बहुत ज्यादा काम करने वाला है रिग्रेसली, ये सब कुछ इससे एसोसिएटेड है, अनप्रिडिक्टेबल है राइट। तो ये एक अगेन बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो उस पे चैलेंजेस का जरूर ध्यान रखना। एलुमनाई बेस जो है वो तो टाइम लेगा ही लेगा, वो कोई कितनी मेहनत करे 5 साल तो लगने ही है, ठीक है, पहला बैच निकलेगा, दूसरा बैच निकलेगा, 3 4 साल जनरली लग जाते हैं एलुमनाई बेस बनने में, ठीक है, 3 4 साल तब जब उनका ग्रेजुएशन हो जाए, तो यहां से तो अच्छा खासा टाइम है राइट। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंटर्नशिप्स की, अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्लेसमेंट्स की, वैसे ही अभी फॉलो कर रहे हैं एमएनएलयू नागपुर, औरंगाबाद हो गया, डीएनएलयू हो गया, बैचेस जब तक नहीं निकलेंगे डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा रहेगी राइट, क्योंकि
वर्थ ज्वाइनिंग है ये, मतलब एक तरह से आपका लास्ट रिजॉर्ट की तरह होना चाहिए, राइट? कि कोई कुछ मिल नहीं रहा है अच्छा कॉलेज, एंड आई के नॉट टेक अनदर ड्रॉप, आई के नॉट अफोर्ड इट, मेरा ऑलरेडी पहला ड्रॉप था या मान लो दूसरा ड्रॉप था, डेफिनेटली डोंट गो फॉर, मतलब फिर हाँ आपको वहां पे जाना पड़ सकता है, राइट? क्योंकि आप फिर से ड्रॉप नहीं ले सकते हो, ये तो पक्की बात है कि अपना पहला ड्रॉप हो गया या दूसरा ड्रॉप हो गया, फिर हम एक और ड्रॉप नहीं ले सकते, ऐसी सिचुएशन है, डेफिनेटली डू नॉट टेक ड्रॉप एंड यू कैन गो फॉर दिस। बट हर वो स्टूडेंट, हर वो एस्पिरेंट जिस जो फ्रेशर था, राइट, जो अभी 12th पास किया है और इस कॉलेज में लैंड अप कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि अगर हो सके तो गिव अनदर ट्राई, राइट? क्यों? क्योंकि इस कॉलेज को भी डेवलप होने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, राइट? अब इसी से एसोसिएटेड एक और क्वेश्चन है कि इसको रखोगे कहाँ, ठीक है? तो अगर जब कंसोर्शियम वाली प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो त्रिपुरा के ऊपर आप इसको रख सकते हो। त्रिपुरा के ऊपर इसलिए क्योंकि एक तो वो भी नया कॉलेज है, प्लस वहां का लोकेशन वाइज बेटर है जेएनएलयू सिलवासा उसके कंपैरिजन में, राइट? और प्लस जेएनएलयू गांधीनगर भी का थोड़ा सा इंपैक्ट रहेगा, बट हाँ बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो अगर आप फ्रेशर थे तो देख लो, अगर एकदम ही जरूरी नहीं है तो यू कैन टेक ड्रॉप, बट हाँ अगर आप फर्स्ट ड्रॉप ले चुके हो या सेकेंड ड्रॉप लिया था, अब डेफिनेटली नहीं हम अफोर्ड कर सकते कि हम एक और ड्रॉप ले, देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है? बट हाँ इससे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, अगर हम एनएलयू को हटा दे तो, सो इफ यू आर गेटिंग जेएलसी आईएलएस, राइट, तो ओएलईटीज के थ्रू, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, टेस्ट के थ्रू आपको इससे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है? तो एमएचसीटी हो गया, या जब हम बात करते हैं वहां पर स्लैट की, ठीक है, सिम्बायसिस की, तो सिम्बायसिस नोएडा हो गया, इवन पुणे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बट अगर सिम्बायसिस नोएडा भी मिल जाए तो वो भी इससे बेटर है रहेगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना बिफोर टेकिंग द डिसीजन। सो दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।